अब चाहे कंठ फट जाए भैया, लेकिन बकता दादा जोर लगा कर बोलेंगे, बारह बंके जम के बलरी चौराहे के पास मिल गए। ये बकता जूते वाला शोरूम नहीं है जो बैटरी की रिक्शा बिकता है, जहाँ पर वहीं पर बकता दादा मिल गए, जमकर नारेबाजी कर रहे थे। अब अरविंद सिंह गोप का नाम ले ही लिया है तो पहले आपको बारह बंके जम के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र ले चलते हैं, जहाँ पर जनसंपर्क करने के लिए ताज बाबू पहुंच गए, उनके साथ आसिफा पहुंच गए और बकता बब्बू भी पहुंच गए, और साथ में देख लो भैया कई नौजवान कार्यकर्ता भी दिख रहे थे, देवेश थे, नितेश थे, अनूप थे, विकास थे, पप्पू थे, बहुत सारे लोग थे। यहाँ बकता खटिया पर चाची बैठी थी जो कह रही थी कि परेशान मत होइए, हम तो बकता बटन दबाएंगे साइकिल का और भारी बहुमत से जिताएंगे। अब जैसे बकता साइकिल का बटन दबेगा भैया, मंत्री बन जाएंगे अरविंद सिंह गोप और मुख्यमंत्री बन जाएंगे अखिलेश, आप तो जानते तो हो गए भैया, बस देख लीजिए किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर रहे थे। बिल्कुल भैया आंधी तूफान जो के बने हैं, बचाओ घर द्वार सब बचाओ, खेत बचाओ, जुमले बादल का बचाओ, बहुत बढ़िया। अब ताज बाबू बढ़िया तो बोलवे करेंगे जब बकता दरियाबाद की जनता ये बोलेगी, खासतौर से क्यों दादा बोलेंगे कि हम वोट जाए देव चाहे जाऊ ना जाए, तो भैया कारता वाह वाह तो बोलेंगे ही। वैसे बारह बंके जब के पलरी चौराहे पास हमको एक दादा मिल गया, अब यू नशे में टुल थे या ना जाने कौन थे, पर बेदी बाबू का गढ़ बता रहे थे, सुनिए जरा। अखिल भैया से जो टकराएगा, गोप से जो टकराएगा, और राकेश वर्मा जिंदाबाद, बेनी वर्मा अमर रहे। ए बेनी बाबू का जिला है, 6 सीटें जीतने का काम करेंगे। अब इनसे कोई नेता मिले चाहे ना मिले, लेकिन बाप कसम की दादा छाती फाड़ फाड़ कर और पीट पीट कर बोल रहे थे कि 6 सीटें जीत कर दिखाएंगे। वैसे वीडियो वायरल हो रहे थे, हमने कहा दिखा दें आप लोगों को, पर फिलहाल बार बंकी जब से उत्तर प्रदेश के लिए इवनेशन 4 की बार पर वीडियो कैसे लगी आप सभी को कमेंट कर बताना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब हमको ना देखो, वीडियो को उठाओ शेयर कर डालो, चैनल को सब्सक्राइब कर डालो।